बिग बॉस सीजन 16 के लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। जी हाँ, गौतम और शालीन की सुम्बुल के कारण लड़ाई हो गई, जिस पर साजिद सुम्बुल पर भड़क गए। जी हाँ, साजिद ने सुम्बुल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तय कर ले कि शालीन भनोट का उन्हें सपोर्ट चाहिए या फिर नहीं। दरअसल सुम्बुल शालीन और गौतम विक की लड़ाई रोकने की कोशिश कर रही थी। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब गौतम ने सुम्बुल से कह दिया कि उनके रूम में कौन बैठा था। गौतम यही नहीं रुके, सुम्बुल से बातों ही बातों में बोल दिया कि तुम हमारे रूम में ओवर टाइम क्यों कर रही हो। ये सुनकर सुम्बुल रूम से जाने की बात करने लगी तो गौतम और टीना ने उन्हें ये कहकर रोक लिया कि ये मजाक है। इसके बाद सुम्बुल ने शालीन को बताया कि गौतम और टीना उन्हें ताना मार रहे थे। इसके बाद शालीन का गौतम से जमकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बीच में सुम्बुल शालीन से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा नाम लेकर लड़ाई मत करो। जब झगड़ा शांत होता है तो साजिद सुम्बुल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। साजिद कहते हैं कि तुम चाहती आखिर क्या हो, एक तरफ तुम रोती हो कि शालीन तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेता, तुम उसके सामने रोती हो कि वो तुम्हें सपोर्ट करे, और जब वो सपोर्ट करता है तो तुम उसे रोकती हो, आखिर ये सब कुछ क्या है। इस बात पर सुम्बुल साजिद से कहती है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ और तुम सब नहीं समझ सकते कि मैं झगड़े के बीच में क्यों आई। पर साजिद कहते हैं कि क्या वजह थी, तुम क्लियर बताओ। सुम्बुल कहती हुई नजर आती हैं कि मुझे लगा मेरे पिता सोचेंगे कि मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती, जिसके बाद साजिद का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साजिद कहते हैं कि जब तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना है तो तुम खुद से जाकर लड़ाई क्यों नहीं करती हो, शालीन को आके तुमने कुछ भी बात क्यों बताई। सबसे पहले ये बताओ कि हम तुम्हें 18 साल की बच्ची माने या फिर 18 साल की एडल्ट, क्योंकि तुम अपना मन बदलती रहती हो। मतलब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुम्बुल का जो माइंडसेट है वो कब तक चेंज हो पाता है, क्योंकि सुम्बुल बार बार अपने डिसीजन और अपने माइंडसेट से वाकई बदलती नजर आ रही हैं। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।